व्हाट द फक यार, मैं मतलब इतनी गर्मी में इतना पागल हो गया हूँ, मैं दुनिया घर से बाहर नहीं निकल रही और मैं निकल रहा हूँ धनाधन एक एक्सेसरी लगवाने के लिए जा रहा हूँ इतनी दूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ पुनीत एंड यू आर वॉचिंग पिया व्लॉग। सो भाई बहुत टाइम बाद एक व्लॉग आ रहा है और ये पहला व्लॉग है जिसमें मैं अकेला ही हूँ, ना तो यश है मेरे साथ, ना मेरी वाइफ और ना ही कोई और राइडर। तो आज मैं जा रहा हूँ कुछ एक्सेसरीज लगवाने अपनी बाइक पर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया। तो वो एक्सेसरी लगवाने के लिए भाई जाना पड़ रहा है मुझे यहाँ से, अभी 32 किलोमीटर्स दिखा रहा है मुझे पुष्टा रोड से, और वहाँ से मैंने किसी को पिक करना है और उनके साथ आके जाना है, तो 8-10 किलोमीटर हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर की राइड हो जाएगी आज एक छोटी सी दिल्ली के अंदर अंदर ही NCR में। तो वहाँ जा रहे हैं और गर्मी के क्या ही कहने, 43 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं मेरे क्लस्टर में इस टाइम बाइक में, और बाइक चल गई है भाई 1590 किलोमीटर अभी तक। और अब जा रहे हैं सूरजपुर विलेज की तरफ, जो कि एक्सप्रेस वे से जाऊंगा मैं आज, तो इसीलिए पूछता भी हूँ अभी। तो यहाँ से सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और वहाँ से मैप को फॉलो करते हुए जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो गर्मी बहुत है लेकिन सेफ्टी जैकेट पहननी भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा दिल्ली में कांड हुआ है, एक स्कॉर्पियो वाले ने बाइकर को मारा है, तो आगे स्कॉर्पियो जा रही है भाई, डर के रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। वो वाला राइडर बच गया क्योंकि सेफ्टी के नाम पे ना उसने कुछ पहना नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम सारे हैरान थे देख के राइडिंग कम्युनिटी वाले के, बच गया बंदा सेफली। कोई और अगर ज़्यादा ज़ोर से लगी होती है, कुछ और भी, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता था उसके साथ, लेकिन थैंक गॉड के वो बच गया, क्योंकि भाई हर जान ज़रूरी है, चाहे वो हमारी हो या सामने वाले की हो, हर किसी के घर पे कोई ना कोई वेट कर रहा होता है। तो बात करते करते 2 डिग्री और बढ़ गया टेम्परेचर, 45 हो गया 43 से। तो ये ना कहीं हाईवे पर चढ़ूँ और 50 बता दे मेरे को, बाकी उम्मीद है कुछ भी हो सकता है। 47 तक का मैं सोच रहा हूँ कि शायद 47 तक शो कर दे। और राइडिंग इसलिए नहीं आ रहे व्लॉग, राइडिंग व्लॉग्स जो हैं, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और राइड करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मेरा व्लॉगिंग चैनल है इसलिए मुझे व्लॉग बनाने पड़ते हैं, और नहीं बनाऊँगा तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर दोगे या फिर देखना बंद कर दोगे। तो मैंने एक बड़ा छोटा सा पोल रखा था यूट्यूब पे भी और अपने इंस्टाग्राम पे भी, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे मुझे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी। तो उस पे मैंने पोल ये रखा था कि मुझे फैमिली व्लॉग बनाने चाहिए बीच बीच में, जैसे मैं राइडिंग व्लॉग नहीं बना रहा तो क्या फैमिली व्लॉग बनाऊँ मैं अपना वाइफ और जैविक के साथ अगर कहीं घूमने जाता हूँ, या डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, जैसे मुंबई का निखिल या सौरभ जोशी बनाते हैं। आई एम नॉट गोना कॉपी देम, लेकिन हाँ फैमिली व्लॉग बनाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ है कि हर घर में होता है खाना खाना या फिर घूमने जाना, तो वो सब कंटेंट एक तरह का मिक्सअप हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक पोल रखा था। आप लोग एक बार ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना कि अगर मैं फैमिली व्लॉग बनाऊं, मतलब 80-20 का रेशियो रखेंगे हम, अगर 8 व्लॉग, अगर टोटल 10 व्लॉग डाल रहा हूँ मैं महीने में, तो 8 मेरे राइडिंग होंगे और 2 व्लॉग्स मेरे होंगे फैमिली व्लॉग, तो डालूँ या ना डालूँ। इंस्टाग्राम पे पोल मैंने डाला था, उसका रिज़ल्ट इंस्टाग्राम पे है तो मैंने शेयर करा हुआ, वो उसमें मेरे को जो आया था 78% आया था यस कि आप फैमिली व्लॉग भी डालो, और बाकी का जो है 22% आया था आई थिंक, तो वो आया था कि नहीं। सो इस चीज़ का ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, क्योंकि उससे ना मेरे को एक क्लैरिटी मिलेगी कि भाई मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। और जैसे कि मैं कह रहा था 47 में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो भाई 48 आ गया, ये देख लो आप 48 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और इतनी गर्मी है, और ये देख लो आप दुनिया कवर्ड होकर जा रही है, मैं भी कवर्ड हूँ, ग्लव्स पहने हुए हैं, लेदर ग्लव्स हैं, तो गर्मी इनके अंदर भी लग रही है। अभी चल रहा हूँ तो ठीक है, एयर पास हो रही है, और जैकेट पहनी हुई है राइडिंग जैकेट अपनी, वो भी बहुत हैवी है, उसमें भी गर्मी लग रही है। चेस्ट के जो गार्ड है मैं वो उतार के आया हूँ अपनी जैकेट में से, क्योंकि उनकी वजह से एयर पास होने में दिक्कत होती है सिटी के अंदर, तो लॉन्ग रूट पर जाते हैं हाईवे पर तभी लगा के जाता हूँ मैं वो मोस्टली। और
भाई ये करके हम नोएडा के अंदर एंट्री इसी के साथ। तो टेंशन की बात नहीं है, बाइक अपनी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट है, तो कहीं पे भी मुंह उठाकर चल देते हैं। इस चीज़ की नई नई बाइक पे आज़ादी होती है, टेंशन फ्री रहते हो आप। पेपर्स वैसे कंप्लीट होने चाहिए हर व्हीकल के, लेकिन अब नहीं करवाते, कई लोग मेरे जैसे आलसी होते हैं। और टेम्परेचर अपडेट आ गई फिर से 49 डिग्री सेल्सियस। सो अभी तक का मेरा ये हाईएस्ट टेम्परेचर नोटेड है कि जो मैंने देखा होगा अपनी लाइफ में, 49 डिग्री सेल्सियस। यार गाड़ी चलाते हो मतलब व्हाट द फक यार, मैं मतलब इतनी गर्मी में इतना पागल हो गया हूँ। मैं दुनिया घर से बाहर नहीं निकल रही और मैं निकल रहा हूँ धनाधन एक एक्सेसरी लगवाने के लिए जा रहा हूँ इतनी दूर। और आज हाइड्रेशन बैग नहीं लाया, लेकिन एक वाटर बॉटल लेके आऊँ छोटी सी, क्योंकि पीछे ना फिर हवा नहीं लगती हाइड्रेशन बैग की वजह से, बैग पे एयर नहीं पहुंच पाती तो उसकी वजह से गर्मी बहुत हो जाती है अंदर। और इसी के साथ टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। और ये भाई मतलब ना नेक्स्ट लेवल है हो गया टेम्परेचर, आप देख लो शायद दिख रहा हो कैमरे के अंदर। और 13 जून तक हीट वेव्स की गवर्नमेंट ने अलर्ट करा हुआ है हीट वेव्स का, तो साथ में ये भी नोटिफिकेशन है कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो आप बाहर मत निकलो, हमारे जैसी बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन जो काम है ना मेरा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई तैयारियां चल रही हैं मेरी लंबी राइड्स की, तो उसके लिए ऐसा है कि जो सामान चाहिए वो लाना ही पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया मेरी एक्सेसरीज वहाँ पर पड़ी हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं जाके लगवा लूँ। कभी कोई काम, छोटे मोटे काम निकल आते हैं घर पे या ऑफिस में, तो इस वजह से निकल नहीं पा रहा था मैं, तो आज निकलूँ एक महीने बाद। तो अब जा रहे हैं, देखते हैं, अभी 30 मिनट और राइड करनी है वहाँ तक। और अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ मैं, सूरजपुर विलेज, और यहाँ से जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है अभी। यहाँ पे मिलना मैंने गौरव भैया को, जो कि वंडर ऑटोमोबाइल्स पे स्टोर मैनेजर हैं, सेल्स एंड सर्विसेज में हैं वो पर्सन। तो अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उनका नया शोरूम रेडी हो रहा है वंडर ऑटोमोबाइल्स का, तो वो वहाँ पे हैं, और उनके साथ मैं जाऊंगा जो इनका मेन पहले वाला शोरूम है वहाँ पे, और फिर वहाँ से भाई एक्सेसरीज लगवाएंगे और जाएंगे वापस घर की तरफ। तो मेरे को जो भी सामान चाहिए था उन्होंने अरेंज करवा के दिया है यहाँ पे अपने शोरूम में, क्योंकि भाई ऑल ओवर दिल्ली वो मेरे को कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। और ये हमारे गौरव भैया। सो ये नया शोरूम बन रहा है भाई वंडर ऑटोमोबाइल्स का, जैसे कि लिखा हुआ है, और अभी इनका जो पहले वाला शोरूम है वो भी ऑपरेटेड है और ऑपरेटेड ही रहेगा। तो अभी वहाँ जा रहे हैं हम गौरव भाई के साथ, तो वहाँ लेके जाएंगे और एक्सेसरीज वहाँ पे लगेंगी मेरी। नया रिकॉर्ड बन गया 54 डिग्री सेल्सियस का, अमेजिंग। ओ भाई हम पहुँच गए हैं अभी ये पहले वाले वंडर ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पे, और यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है छाँव में थोड़ी सी। तो अभी मैं आया हूँ वंडर ऑटोमोबाइल्स पे, और गौरव भैया करवा रहे हैं यहाँ पे काम मेरी बाइक का, और भैया ने भाई बहुत हेल्प कर दी है, पार्ट अरेंज करवाया, तो पार्ट कहीं पे नहीं मिल रहा था, पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो पार्ट था ये पैनियर्स ग्रिल जो चाहिए होती है हमें सैडल से, ये कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, जहाँ भी ये मिल रही थी ना मेरे को पैनियर्स के साथ मिल रही थी। और अब फिटिंग इसकी शुरू हो चुकी है, भैया कर रहे हैं फिटिंग इसकी, और उसके लिए पहले ये इसलिए खोला गया क्योंकि मेरा लॉक ख़राब है इसका, और वो कंप्लेन में होगा सही,
बाकी ये वाले ऊपर का जो रेलिंग है पहले ये हटाई जाएगी और इसकी जगह पे फिटिंग जो इसकी यहाँ के बोल्ट्स है इसी में आएगी, इन पैनल रेलिंग की फिटिंग। और करवाने के लिए भाई जगह ढूंढी है हमने यहाँ पे दादरी में ही, वंडर ऑटोमोबाइल सी, क्योंकि कंपनी का काम कंपनी करते तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो यहाँ पे गौरव भैया हमारे सारा कुछ अरेंज करवा के देंगे, बाइक से लेके बाइक के पार्ट्स भी। और बहुत जल्दी भैया आपको दिखेंगे हमारे साथ राइडिंग करते हुए, प्लानिंग चल रही है। तो अब खुलने वाले हैं भाई बाइक के इंडिकेटर्स, क्योंकि जो जेन्युइन आती है ना आपकी सैडल से उसमें एक ये बेनिफिट है कि इंडिकेटर जो आपके यहाँ से हटके इस जगह आते हैं पीछे, जिससे कि सेफ्टी मिलती है बाइक को और पीछे से विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है बाइक की, तो इसी वजह से मैं लगवा रहा हूँ। और यही सेफ्टी कंसर्न था मेरा जिसकी वजह से मैं लगवा रहा हूँ ये वाले जेन्युइन वाले सैडल से। और अब एक बार ये लग जाएंगे और फिर अपनी राइड का एक जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो शॉपिंग वगैरह चल रही है मेरी राइड के लिए, चाहे वो गैजेट्स है या कुछ भी है, तो वो सब चल रही है साइड बाय साइड। आज ये काम अगर टाइम से कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर मैंने जाना है एक और गैजेट वगैरह ऐड करने अपनी लिस्ट में, तो सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे जैसे राइड पास आती जा रही है भाई खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और दिखाएंगे आपको जल्दी क्या क्या कर रहे हैं। और तब तक ये वाला काम करवा लूँ पहले मैं, और आप एक टाइम लैप्स एंजॉय करो। Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. तो काफी देर की मेहनत के बाद अब सैडल से जो है वो लग गई है, और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ उसकी फर्स्ट लुक। और बहुत मेहनत लगी है क्योंकि थोड़े से इसमें थी ऐसी चीज़ें जो रॉयल एनफील्ड ने क्लियरली अपने उसमें मैपिंग में नहीं दी हुई कि इसको कैसे फिट करना है, इसमें क्या लगाना है, तो वो जो चीज़ है ना वो खुद एक बार एक्सपीरियंस करके खुद टेस्ट एंड ट्राई करके तो पता चली है, तो वो लगाई है। अब आपको उस चीज़ में कोई दिक्कत ना है उस चीज़ के लिए मैं आपको पहले से बता दूंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल्स। लुक है इसकी, ये रेलिंग लगती है, तो इसमें लगानी कैसे है आपने, ये जो आपकी ऊपर पहले से लगी आती है लगेज रैक इसके अंदर ही जाएगी, ये वाली यहाँ से देखो आप ये इसके अंदर जाएगी यहाँ पे। ये जो बोल्ट है इसका एक्सटेंडेड है ये इतना, जो इसके साथ फिक्स्ड है सैडल से के साथ, और दूसरा बोल्ट आपका यहाँ पे जाता है, और एक थर्ड है जो यहाँ पे अंदर जाएगा इसके। तो ये तीन बोल्ट पे टिका हुआ है पूरा सेटअप। और बात करें अगर एक्स्ट्रा पार्ट की, तो इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट ये प्लेट आती है, ये आपको पीछे की टेल लाइट खोल के एक्सटेंड हो जाएगी और वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे इतनी बाहर, जैसे कि स्ट्रोक में लगती है। नहीं तो अगर वो ना करता तो मैं यहाँ पे आती टेल लाइट, तो इतना डिफरेंस आ गया ऑलमोस्ट 6-7 इंच का। और वैसे ही ये आपके इंडिकेटर्स पहले यहाँ पे लगे हुए थे और अब आ गए हैं यहाँ पे, ये भी एक्सटेंड हो गया। जो इंडिकेटर्स की वायरिंग है वो ऐसे घूम के जाएगी अंदर, थोड़ी सी बाहर एक्सपोज होगी वो, क्योंकि इसके लिए या तो मेरे को करवाना पड़ेगा मड गार्ड के अंदर होल तभी जाएगी, या फिर इसको बाहर से रहने दें, तो बेस्ट ऑप्शन है कि इसको बाहर से रहने दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइक से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, राइडिंग से रिलेटेड, और ऐसी और अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और करते हैं वीडियो कंटिन्यू। इतनी दूर 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा था बाइक के क्लस्टर में, मैं इतनी दूर राइड करके इतनी देर में इसलिए आया हूँ कि भाई यहाँ का काम जो है ना मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग और तसल्ली से होगा, तो इसीलिए मैं इतनी दूर आया हूँ, नहीं तो और कोई वजह नहीं मेरे आसपास भी होता। प्लस दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पे ये पार्ट अवेलेबल और कहीं अवेलेबल नहीं था,
विद पैनियर्स ही मिल रहा था, जो कि मेरे को पैनियर्स नहीं लेने क्योंकि मेरा लगेज ज़्यादा होता है और वो मेरा सैडल बैग्स में ही आता है, पैनियर्स में नहीं आता, क्योंकि पैनियर्स में एक आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस होता है और जो लगेज बैग होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, थोड़ा सा फूल जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए मेरा सामान उसी में पूरा आता है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होते रहेंगे ताकि हमारे जो सैडल बैग्स है वो नीचे साइलेंसर को टच ना करे और कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए जाना है हमने गुरमीत भैया के पास, बहुत जल्दी वहाँ पहुँचेंगे, तो पहले यहाँ से फ्री हो फिर एक दो काम हो रहा है फिर जाएंगे गुरमीत भैया के पास। सो अब कर रहे हैं फाइनल पार्ट्स फिटिंग और इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी अपनी सैडल शेकी फिटिंग। सो फाइनली फिटिंग हो गई है और ये आई है फाइनल लुक भाई सैडल से लगवाने के बाद। ये इंडिकेटर और टेल लाइट दोनों एक्सटेंड हो गई इसकी और ये दूसरी साइड से, तो काफ़ी अच्छी लुक आई है। एक बार पीछे से आपको दिखाता हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है, तो जो फुटरेस्ट हैं उनके अंदर अंदर ये दोनों साइड से तो कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आया, फ़र्क आएगा जब आप इस पर लगाओगे पैनियर्स और उसके बाद ही थोड़ी सी ज़्यादा वाइड हो जाएगी। तो मैंने पैनियर्स नहीं लगवाने, मैंने लगाने इस पर सैडल बैग्स, तो वैसी रहेगी जैसे मेरे को चौप्टर राइड पर आता, ठीक है मेरे को आइडिया होगा उसका, तो इतना कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आता, आपको आइडिया रहता है कि आपकी बाइक कितनी ज़्यादा वाइड हो गई है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलाते हो। सोचने में और करने में डिफरेंस होता है, तो देखोगे तो लगेगा वाइड हो गई है, लेकिन जब चलाने जाओगे तो एक आध बार में पता चल जाएगा, एक बार किसी को ओवरटेक करोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी वाइड और कैसे ओवरटेक करनी है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो सी इन द नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बी सेफ।